بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اللطیف کے متعلق. اللطیف، لطیف لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو لطف یلطف لطفا، مہربانی کرنا اس معنی میں ہے. لطوفہ باب کرما سے باریک ہونا، چھوٹا ہونا. اسی سے صفت ہے لطیف. لطفا کہتے ہیں نرم بنانا، لاطفا کہتے ہیں بھلائی کرنا. اسی سے کہا جاتا ہے لطف یعنی توفیق، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو. اسی سے لطیف، باریک، نرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لحاظ سے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، احسان کرنے والا، باریک چیزوں کو جاننے والا، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا. تو لغت کے اعتبار سے یہ چند باتیں ہیں. دوسری بات جو معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لطیف قرآن مجید میں کتنی جگہ وارد ہے. لطیف قرآن مجید میں 7 مرتبہ وارد ہے. اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، جس کے لیے چاہے نرمی کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم والا، حکمت والا ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اس حال میں کہ وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبے والا ہے. تو یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
अपने नाम अल-लतीफ़ को इस्तेमाल किया। अब बारी है ये मालूम करने की कि अल्लाह तबारक व ताला के हक में लतीफ़ का माना क्या होगा। क़तादा कहते हैं, अल्लाह ने जो कुरान में कहा इन रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला यूसुफ़ अलैहि सलातु वस्सलाम पर नरमी किया था, उन पर मेहरबानी किया था। कैसे? अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कुएं से निकाला, उनके घर वालों को खेड़े गांव से शहर में लाया, उनके भाइयों के दिलों से हसद को ख़त्म किया और उनके दिल से शैतान के वसवसे को ख़त्म किया। ये अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर मेहरबानी की, इसीलिए कहा इन रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। इब्न जरीर कहते हैं लतीफ़ के माने हैं बंदों पर नरमी बरतने वाला और ख़बर रखने वाला उनके आमाल के मुतालिक। ख़त्ताबी कहते हैं लतीफ़ यानी बंदों पर नरमी बरतने वाला, जो ऐसी जगह से नरमी का मुजाहरा करता हो जहाँ से वो जानते भी नहीं और उनके लिए उनके मसलहत के लिहाज से सबब पैदा करता हो, ऐसी जगह से जहाँ से वो जानते भी नहीं। अल्लाह ने कहा अल्लाहु लतीफ़ुन बि इबादिही यरज़ुकु मन यशाउ व हुवल क़वीयुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ़ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोज़ी देता है और वो बड़ी ताकत बड़े गलबे वाला है। इब्नुल अराबी कहते हैं के लतीफ़ के माने ये हैं कि जो बंदों को जो चाहिए, जो उनको पसंद हो, उन तक नरमी से पहुंचाए। और बाज़ ने कहा कि लतीफ़ यानी वो जो इदराक से परे हो। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह लतीफ़ुन, यानी जिससे कोई पोशीदा चीज़ पोशीदा ना रहे बल्कि वो हर पोशीदा चीज़ तक भी पहुंच जाए, उसको कहते हैं लतीफ़। इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं नूनियाह में वहुवल लतीफ़ु बि अब्दिही वली अब्दिही वल्लुत्फ़ु फ़ी औसाफ़िही नौआनी, इदराकु असरारिल उमूरि बि खिबरतिन वल्लुत्फ़ु इंद मवाक़िअल इहसानी फ़युरीका इज़्ज़तहु वयुब्दी लुत्फ़हु वल्अब्दु फ़िल ग़फ़लाति अन शानी, कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे के लिए नरमी करने वाला है और उसके औसाफ़ में से लुत्फ़ है, जिसके दो किस्में हैं, दो माने हैं। नंबर एक, वो चीज़ के असरार को जानने वाला है। दूसरा माना है कि वो एहसान के वक्त नरमी का मामला करता है। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला की इज़्ज़त का भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं और उसके लुत्फ़ का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से बंदे गफलत में पड़े हुए हैं। अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी कहते हैं कि लतीफ़ वो जो राज की बातों को, खुफिया चीज़ों को जानने वाला हो, जो बातिन में है उनको जानने वाला हो, दकीक उमूर को जानने वाला हो। मोमिन बंदे पर नरमी इख्तियार करने वाला हो, बंदों की जो मसलहतें हैं उनको एहसान के
तौर पर नरमी से उन तक मुकम्मल करने वाला हो, उन तक पहुंचाने वाला हो, और ऐसे तरीक़े से पहुंचाने वाला हो जिसका वो शुऊर भी नहीं रखते। इस तरह वो खबीर के माने में भी है, रऊफ़ के माने में भी है। तो मुफस्सिरीन के इन अक़वाल को जमा करेंगे तो लतीफ़ के तीन माने हम कर सकते हैं अल्लाह के हक़ में। नंबर एक, लतीफ़ यानी वो जो बारीक बीन है, जिससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं, कोई चीज़ मख्फी नहीं, गरचे के वो कितने ही दकीक ही क्यों ना हो, कितने ही बारीक ही क्यों ना हो। दूसरा माना जो मालूम होता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर नरमी करने वाला है, उनको मालूम भी नहीं हो पाता, ऐसी जगह से वो उनको रिज़्क देता है, ऐसी जगह से वो उन पर नरमी का मामला करता है। अल्लाह ने कहा, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, जो अल्लाह तबारक व ताला से डरता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रास्ते खोलता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। तो दूसरा माना हुआ अल्लाह तबारक व ताला बंदों पर नरमी का मामला करने वाला है। तीसरा माना हुआ जो इदराक से परे हो उसको लतीफ़ कहते हैं। तीन माने, जो बारीक बीन हो, जो बंदों पर नरमी करने वाला हो, तीसरा माना जो इदराक से परे हो। अब जब हमने मालूम किया अल्लाह तबारक व ताला का एक नाम लतीफ़ है, तो लतीफ़ अल्लाह तबारक व ताला है ये मालूम होने के बाद हमें क्या महसूस होता है, हमें क्या मालूम होता है अल्लाह तबारक व ताला लतीफ़ है ये सुनने के बाद। सबसे पहली बात जो हमें मालूम होती है या सबसे पहला एहसास जो हमारे दिल में पैदा होता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, कोई चीज़ उसके इल्म से पोशीदा नहीं है, चाहे वो चीज़ छोटी ही क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ दकीक ही क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ मख्फी ही क्यों ना हो। अल्लाह ने कहा, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, कि अल्लाह तबारक व ताला के पास गैब की चाबियां हैं, उनको उसके अलावा कोई नहीं जानता, जो कुछ बर्रो बहर में है उसको वो जानता है, जो भी पत्ता गिरता है उसको वो जानता है, जो भी दाना गिरता है उसको वो जानता है, चाहे वो जहाँ भी गिरे। अल्लाह तबारक व ताला ने एक और जगह कहा, या बुनैया, यानी लुक्मान अलैहिस्सलाम की ज़बान में अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में कि लुक्मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे थे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ याति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, कि ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो, फिर वो भी खाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो, उसे अल्लाह ताला ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और ख़बरदार है। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो।
चाहे वो ज़मीन के अंदर हो या आसमानों के ऊपर हो या कहीं चट्टानों में बिखरा पड़ा हो, अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में ज़रूर वो चीज़ होती है। दूसरी बात जो हमें मालूम होती है, अल्लाह तबारक व ताला लतीफ़ है। ये सुनते ही हमें जो एहसास होता है वो ये है कि जब अल्लाह तबारक व ताला लतीफ़ है, हर चीज़ का इल्म उसको है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर चीज़ को वो जानता है, तो हमें अपने अक्वाल में अपने अफ़ाल में मुहासबा करना चाहिए। हमें अपने हरकात में अपने सकनात में मुहासबा करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला जब देख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक मर्तबा हम जायज़ा ले। अल्लाह ने कहा, अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, कि क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, वो बारीक बीन खबर रखने वाला है। और क़यामत के दिन इन्हीं आमाल का बदला अल्लाह तबारक व ताला देगा। अगर इंसान अच्छा करता है तो अच्छा बदला देगा, और अगर इंसान बुरा करता है तो बुरा बदला देगा। कोई भी अमल अल्लाह तबारक व ताला ज़ाय नहीं करेगा। कोई आदमी नेकी किया है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी नेकी को ज़ाय कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई आदमी बुराई किया है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी बुराई को ख़त्म कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ। قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو لا کر رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे हाजिर करेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले। अल्लाह ने एक और जगह कहा, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، कि जो भी ज़र्रा बराबर रत्ती बराबर नेकी किया होगा वो उसको देख लेगा, और जो भी रत्ती बराबर ज़र्रा बराबर बुराई किया होगा वो उसको देख लेगा। अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन इन तमाम चीज़ों को हाजिर करने के बाद जो नेक लोग हैं उनको अज्र अता करेगा अपनी तरफ से, अपने फ़जल से, अपने करम से, जिसको चाहे माफ़ करेगा, जिसको चाहे अल्लाह तबारक व ताला छोड़ देगा, और जिसको चाहे अल्लाह तबारक व ताला अजाब से दोचार करेगा। वो बेहतर जानता है किसके साथ क्या करना है। तीसरी बात जो मालूम होती है, जैसे ही हम सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला लतीफ़ है, तो हमें तीसरी बात जो मालूम होती है, तीसरा एहसास जो होता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर नरमी करने वाला है। हलीमी कहते हैं कि लतीफ़ उसके माने ये हैं कि जो अपने बंदों के लिए खैर चाहता हो, आसानी चाहता हो, और अल्लाह तबारक व ताला के लुत्फ़ को अगर हम देखेंगे, उसकी नरमी को अगर हम देखेंगे, तो हमें हर चीज़ आयाँ हो जाएगी। अल्लाह ताला जो रिज़िक देता है ये लुत्फ़ ही का नतीजा है। इंसान को जो चाहे अल्लाह ताला फराहम करता है ये लुत्फ़ ही का नतीजा है। ग़ज़ाली रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये नाम लतीफ़ उसके लिए मुस्तहिक है जो दकीक बातों को
छुपी हुई बातों को जानने वाला है। फिर जो आदमी जिस चीज़ का मुस्तहिक है उस तक उस चीज़ को पहुंचाए आसानी के साथ, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आसानी के साथ पहुंचाए। और ये अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और पर सूट ही नहीं करता, क्योंकि किसी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो हर मख्फी चीज़ को जाने, और अल्लाह तबारक व ताला हर मख्फी चीज़ को जानने वाला है, दकीक चीज़ को जानने वाला है, बल्कि उसके लिए हर दकीक चीज़ जैसे खुल के सामने इंसान के सामने हो उसी तरह है, हर खफ़ी चीज़ उसके लिए जली है। अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ में नरमी इख्तियार करता है। अल्लाह तबारक व ताला के लुत्फ को वही आदमी जान सकता है जो आदमी अल्लाह तबारक व ताला के अफ़ाल को जानता हो। जितना ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला के अफ़ाल को इंसान जानेगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला लतीफ़ है, उसको मालूम होता जाएगा। उसी के लुत्फ़ की वजह से जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के पेट में आराम से बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी परेशानी के रहता है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत करता है, माँ के पेट में उसको ग़िज़ा फराहम करता है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसको खाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला उसको पीने के लिए उसके ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है, और उसको सिखाया भी नहीं जाता, उसको बताया भी नहीं जाता, उसको दिखाया भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो निकलते ही ग़िज़ा कहाँ से हासिल करना है दूध के ज़रिए आराम से पहचान लेता है और माँ के दूध को पीना शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला का लुत्फ ही है कि उसको जब तक वो माँ का दूध पीता रहता है अल्लाह तबारक व ताला उसको दांत नहीं देता, और जब कुछ खाने के चबाने के लायक होता है तो अल्लाह ताला उसको दांत फराहम करता है। वो भी दांत कैसे? सुबहानअल्लाह। सामने के दांत, कोई चीज़ तोड़ना है सामने के दांत अनियाब हैं, कोई चीज़ काटना है तो सुनाया दो जो किनारे के दांत हैं दोनों काटने के लिए काम आते हैं, चबाना है तो अंदर के दांत, दाढ़ वगैरह उसके बाजू के दांत। तो ये सब अल्लाह ताला ने जो बनाया है ये उसी के लुत्फ का नतीजा है। उसके बाद इंसान जो खाता है उसको ले जाना, उसको हज़म करना, ये सब जो इंतज़ाम अल्लाह ताला किया है ये अल्लाह तबारक व ताला के लतीफ़ होने की दलील है। और दूसरी बात, इंसान जो खाता है आराम से कोई चीज़ ख़रीद लिया पैसे में खा लेता है, हालांकि उसके पीछे देखे इंसान कभी तो वो चीज़ जो वो हासिल कर रहा है उसको उगाया किसने, उसको ज़मीन में से निकाला किसने, उसकी काश्तकारी कोई और करता है, उसको कोई काटता है, उसको कोई लाता है, उसको कोई बेचता है, उसको कोई आटा बनाता है, तो ये सब अल्लाह तबारक व ताला के लुत्फ का नतीजा है कि इंसान बआसानी हर चीज़ को फराहम कर लेता है। वरना अगर इंसान ही हर चीज़ को करे और हर चीज़ को इस्तेमाल करे तो इंसान के लिए ये काम मुश्किल हो जाता। तो आप समझ सकते हैं अल्लाह तबारक व ताला लतीफ़ है तो कैसे वो लतीफ़ है, ये तो चंद मिसालें हैं। इस तरह आप हर चीज़ पर कयास कर सकते हैं।